नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर से दिया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का संदेश। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की अध्यक्षता में गौहर सिद्दीकी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर सद्भावना मंच के प्लेटफॉर्म पर परंपरागत तरीके से फूलों की होली खेली और समाज को एक होने का संदेश दिया। सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने एकता का संदेश देते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और होली मिलन कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने कहा कि होली का यह पर्व आपसी तालमेल के साथ, खुशियों के साथ, नफरत और रंजिशें भुलाने का त्यौहार है। इस होली के त्यौहार को प्यार और मोहब्बत और शांति से मनाने की भी अपील की गई। होली मिलन कार्यक्रम में आए सैकड़ों वरिष्ठ जनों ने सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को आदर्श बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम धर्मों के लोगों के साथ बीजेपी नेता, सपा नेता व बसपा नेता और समाज सेवी गण मौजूद रहे। जो तीज त्यौहार हैं इस मुल्क की, ये साझा तहजीब है, संस्कृति है। इसी के सिलसिले से हम लोग हर वर्ष सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इन तीज त्यौहारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और तमाम प्रबुद्ध नागरिक ज़िले के, नगर के हम लोग इकट्ठा एक छत के नीचे करते हैं। उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति भी हज़ारों के बराबर होता है, एक नेतृत्व होता है। हम लोग उनको बुलाकर मुजफ्फरनगर ज़िले में और मुजफ्फरनगर ज़िले से बाहर मुजफ्फरनगर ज़िले का एक ऐसा पैगाम भाईचारे का प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि ये मुल्क जो नफरत की आग से दूर रहे, और नफरत अगर जो रहेंगी तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। हम इस तरक्की के सिलसिले से जो नफरतें हैं उस दूर को करके तरक्की की तरफ के जो आपस में भाईचारा है, एक सद्भावना है, तो सिद्दीकी जी को बड़ा धन्यवाद दें हम इस बात के लिए, उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करा। एक भाईचारे की मिसाल जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता की मिसाल है वो आज देखने को मिली, तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने से जो समाज में कुछ समय बाद जो दूरियां रहे पहले, तो वे कुछ समय के बाद वे ख़त्म हो जाए, तो इस तरह की बात होती रहनी चाहिए। बड़ा